तो फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ मैं रात को रुका था। कल रात को बहुत ज़्यादा रात हो गई थी तो मैं ज़्यादा शूटिंग कर नहीं पाया, बट आज सुबह उठ के मैं आपको दिखा रहा हूँ इस जगह आई स्टे फॉर टुनाइट। और लास्ट नाइट भी मैं रुका था। तो ये गांव है एक आगरा से करीब करीब 5-7 किलोमीटर दूरी पे जहाँ पे मैं रुका था। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगरा जाऊँ और वहाँ जाके थोड़ा शूटिंग करूँ, आपको दिखाऊँ कुछ पॉइंट्स वगैरह आगरा के। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग मेरे को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मेरे कैमरे को। तो आज चलते हैं फिर आगरा और फिर मैं और आगरा में जाके आपको दिखाता हूँ, वहाँ के बारे में बताता हूँ आप। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आगरा पहुंच चुका हूं और देखिए आगरा पहुंच के मेरा वेलकम किसने कराया है। यह बहुत ही प्यारा साइन है जिसमें लिखा हुआ है आई लव आगरा। तो फ्रेंड, यहां से अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा और होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। आगरा में आ चुका हूं मैं, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा वेदर है, धूप खिली हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने डिसाइड ये करा है कि मैं पहले फतेहपुर सीकरी चलूँगा जो यहाँ से करीब करीब 35-40 किलोमीटर दूर है, और वहाँ जाने के बाद में वहाँ कवर करूँगा आज सीकरी के बाद। फिर लोकल आगरा में आएंगे और फिर यहाँ पे हम विजिट करेंगे। तो मुझे फतेहपुर सीकरी में करीब करीब पहुँचने में 1-1.5 घंटा लगेगा और बाइक से जाऊंगा। रास्ते में आपको थोड़ा दिखाऊंगा वहाँ अगर कोई अच्छी जगह मिलेगी तो। फिलहाल चलते हैं यहाँ से फतेहपुर सीकरी। और ये एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फतेहपुर सीकरी और मेरे पीछे आप देखिए, इसे कहते हैं बुलंद दरवाजा। ये
एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, और किसी ज़माने में जो अकबर महाराज थे, राजा अकबर, उनकी ये राजधानी रही थी, कैपिटल। फतेहपुर सीकरी है सिटी, और तो बना भैया पहुंच गए हम ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ बुलंद दरवाजा। दोस्तों ये है बुलंद दरवाजा, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, रियली बहुत शानदार है ये। चारों तरफ से आप देख सकते हैं इसको।